तहसील जीरा के अंतर्गत आते गांव हरदासा के आदर्श स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पिछले दो साल से पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही फ्री वर्दियां व किताबें नहीं मिली हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता एवं स्कूल प्रिंसिपल द्वारा पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार से इस तरफ जल्द ध्यान देकर बच्चों को ये सुविधा दिलाने की मांग की है। इस स्कूल की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बच्चे चंगे पढ़ते लिखते हैं, स्टाफ भी बहुत चंगा, प्रिंसिपल बहुत बढ़िया। फिर बच्चों जो सरकार की सहूलत वर्दियाँ और कापियाँ किताबा मिलनी चाहिए। ये बहुत वधिया स्कूल है, मैनेजमेंट भी बहुत वधिया, तो इतने गरीब बच्चे मतलब बहुत वधिया पढ़ाई कर रहे हैं, स्टाफ भी बहुत वधिया। तो बस गरीब बच्चों इतने किताबा कापियां का प्रबंध पूरा किया जाए ता जो बच्चे अगे वध के तरक्की कर सकन। सैशन अप्रैल 2013 तो मानयोग SDM जीरा की निगरानी हेठ बहुत ही वधिया ढंग चल रहा है। इस समय स्कूल विच तकरीबन 1957 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे लागले पिंडा तो तकरीबन 100 पिंडा के विद्यार्थी साडे स्कूल विच पढ़ रहे हैं। सानू सरकार तो उम्मीद है कि पिछले 102 सालों विच सानू बच्चों दीआं मुफ्त वर्दियां अते किताबां जो कि सरकार वल्लों मुहैया करवाईआं जांदीआं सन कुछ कारणां करके नहीं मिल सकियां। इस बार असीं उम्मीद करदे हां कि नवें सैशन 2017-18 बच्चों नूं बुनियादी सहूलतां दे के उन्हां दे भविख नूं रोशन करन विच साडा साथ दित्ता जावे। जागती लहर के लिए जीरा से सतीश विज की रिपोर्ट।